पिछले साल घर से भागकर 700 से अधिक बच्चे मुंबई पहुंचे। इन बच्चों का सपना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाना या अपने पसंदीदा फिल्म स्टार से मिलना था। इसके अलावा इनमें वो बच्चे भी शामिल थे जिन्हें माँ बाप ने डांटा था या जो महानगर की चकाचौंध को देखने के लिए ख्वाहिशमंद थे। रेल सुरक्षा बल यानी RPF द्वारा मुहैया किए गए आंकड़ों के हिसाब से वर्ष 2017 में मुंबई और उसके उपनगरीय क्षेत्रों के रेलवे स्टेशनों से 706 बच्चे पकड़े गए जिनमें ज्यादातर अन्य राज्यों से थे। एक अधिकारी ने कहा, पश्चिम उपनगरीय क्षेत्र से कुल 528 बच्चे जिनमें 360 लड़के और 168 लड़कियों को बचाया गया। मध्य उपनगरीय क्षेत्र में 178 बच्चे यानी 115 लड़के और 63 लड़कियां पाई गईं। उनमें ज्यादातर बच्चे 13 से 18 साल की उम्र वर्ग के थे तथा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों से थे। मुंबई और उपनगरीय क्षेत्रों के स्टेशनों में मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर सर्वाधिक 129 बच्चे मिले। मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर राजस्थान, गुजरात, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लंबी दूरी की करीब 21-22 गाड़ियां आती हैं। पिछले साल हमने यहां 129 बच्चों को बचाया और उनमें से ज्यादातर इन राज्यों से थे। एक अन्य RPF अधिकारी ने कहा, शहर की ग्लैमरस जीवन शैली से आकर्षित होकर ये बच्चे अभिनेता या गायक बनने के लिए यहां ऑडिशन देने का मौका तलाशने आते हैं। उनमें से कुछ तो बस अपने पसंदीदा फिल्म स्टार से मिलना या क्रिकेट खिलाड़ी बनने के लिए आते हैं। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।